द्विवेदी जी, क्या मामला है और किस मामले में न्यायालय ने एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया है? न्यायालय पुलिस अधीक्षक सुल्तान अमेठी श्री कुंतल किशोर गहलोत और थाना अध्यक्ष मुसाफिर खाना श्री पारसनाथ सिंह, चौकी इंचार्ज अलीगंज दिनेश कुमार सिंह और कुछ पुलिस कर्मियों ने एक सुनियोजित साजिश के तहत मुझे रास्ते से हटाने के लिए मेरा फर्जी इनकाउंटर करने की नीयत से मेरा सुल्तानपुर कोतवाली नगर के पास कुमार नाके से अपहरण कर लिया था और अपहरण करके मुझे जो है बाजार सुकुल थाने में अपहरण करने के उपरांत मेरी आंखों में पट्टी बांध करके मुझको लेकर के बाजार टहलाते रहे और रात में जब मेरी पट्टी हटाई गई तो मैं बाजार सुकुल थाने में मौजूद था और ये लोग जब उस मामले में असफल हो गए बाद मेरी पत्नी लगातार अधिकारियों के वरिष्ठ अधिकारियों के संपर्क में रही। बाद में DGP कार्यालय के हस्तक्षेप के बाद इनकाउंटर की कार्यवाही इनकी जब विफल हो गई तो दूसरे दिन अदालत लाते समय खिसियाहट में मुझे बुरी तरह से बर्बरतापूर्ण मुझे पारसनाथ सिंह दिनेश सिंह सिपाहियों द्वारा बर्बरतापूर्ण पीटा गया और मुझे मणासन स्थित में जो है CGM महोदय की अदालत में पेश किया गया था, जहाँ CGM ने मेरी स्थिति को देखते हुए मेरा मेडिकल जिला अस्पताल में करवाया था। जिला अस्पताल के चिकित्सकों ने मेरी गंभीर स्थिति को देखते हुए मुझे ट्रामा सेंटर रेफर कर दिया, जहां मेरा 15 दिन तक इलाज चलता रहा। मेरा बायां पैर काम नहीं कर रहा था और इन सब स्थितियों में जो है चूंकि मैं एक सामाजिक कार्यकर्ता हूं, पत्रकार हूं, अधिवक्ता हूं, इस नाते जो है पुलिस मुझे रास्ते से हटाने के लिए सब षड्यंत्र किया था। इसी के विषय में मेरी पत्नी ने उस समय माननीय उच्च न्यायालय में रिट याचिका आयोजित की थी, जिसकी जांच माननीय उच्च न्यायालय ने संज्ञान लेते हुए ह्यूमन राइट कमीशन से कराई थी, जिसमें सारे लोग दोषी पाए गए और दोषी पाए जाने के उपरांत कोर्ट ने सारे पक्षों को सुनवाई का अवसर देते हुए सबको सुनते हुए ये दोषी लोगों के खिलाफ FIR दर्ज करने, इसकी विवेचना तुरंत FIR दर्ज करने का निर्देश दिया।